एंड वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। सो गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ने अपना रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे तरह से सेलिब्रेट किया होगा। तो मैं अपने घर का बताऊँ, मैं अभी रेडी हो गई हूँ, लेकिन जो मेरा भाई है वो अभी तक सो के नहीं उठा है। और इस बार शायद जैसे लास्ट ईयर बहुत रात में हमने बांधी थी राखी, तो इस बार 1 बजे के बाद है, शायद 1:40 के बाद जो हमने देखा था, जो मुहूर्त होता है फिर उसी वक्त हम राखी बांधेंगे। तो अभी क्रिश को मैं उठाती हूँ, हम ब्रेकफास्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ आज की प्रेपरेशंस। कल पार्वती राखी लेने गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं वो नहीं दिखा पाई राखी लेते हुए और बाकी सामान लेते हुए। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या बना हुआ है और क्या क्या प्रेपरेशंस हुई है, तो मेरे ब्लॉग के एंड तक बने रहे। तो यहाँ पर खाने में बना हुआ है आज पालक पनीर, ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। ये पार्वती ने बनाया है और ऑब्वियसली उसने मिठाई लाई है कल, उल्टा डुब्बा जो कि है रसगुल्ले, और राखी लाई भी है। तो वो तो मैं आपको जब बांधूंगी तभी दिखाती हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और आपको तब मिलती हूँ। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं जा रही हूँ, पर थोड़ा सा काम है और पार्वती और करिश अभी भी नहीं उठे हैं। ये तो उठी है, अभी तक बैठी हुई थी बेड पे, लेकिन क्रिश तो अभी भी नहीं उठा हुआ है, तो राखी बांधने का तो अभी सवाल उठता नहीं है। आप कुछ बोलना चाहिए, अपनी शक्ल देखती रहेगी बस जूम करके और बोलेगी कुछ नहीं। तो गाइज, अभी बज रहे हैं दिन के 3 और मैं अभी घर जा रही हूँ और साथ में मेरे हाथ में चाइनीज़ प्लांट है, भैया ने ऐसे ही दिया है मुझे। अगर मुझे बंदर मिल गए तो मैं पता नहीं क्या ही करूँगी। तो अब मैं राखी बांधने जा रही हूँ फाइनली। ये ऐसा गंदा टाइम है कि 2 बजे था तो मैं 2 बजे तो नहीं आ पाई, उसके बाद मुझे ये पैक करवाना पड़ा, फिर उसमें टाइम लग गया, फिर मैं क्रिश के लिए एक और राखी लेने गई क्योंकि टीवी का मैसेज आया था कि राखी मतलब बांधते हैं ना वो, तो पहले उन्होंने किया नहीं था, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। अब फाइनली अब राखी बांधने वाली हूँ मैं और मैं यही देख रही हूँ कहीं आसपास बंदर ना हो, बस मैं घर पहुँच जाऊँ सेफली। पता है मेरे साथ एक बार और भी हुआ था, लेकिन मैंने बंदर को कुछ दिया ही नहीं, मैंने उसे भगा दिया। उस वक्त मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी, लेकिन शायद अब नहीं होगी। और यहाँ देखो कितनी सीढ़ियाँ नीचे। तो गाइस, मैं फाइनली पहुँच गई हूँ, अभी देखते हैं इनका रिएक्शन मुझे। कि मैं हो चुकी हूँ बहुत लेट, काजल दी भाई वो भी मेरा वेट कर रहे हो क्या? वाह वाह वाह, बड़ी पिंकी पिंक्स बनी हुई हो तुम तो। या ब्रो, दरवाज़ा बंद करो, लाइट आ रही है बाहर से बहुत। हेलो ब्रो, हेलो सिस्टर। मैं कितनी गंदी उसमें हो रही हूँ, व्लॉग में नहीं डाल सकती ऐसी आवाज। हाय हाय काजल दी, रुको इसको नीचे रख दो भाई, ब्लॉग के चक्कर में ना मिलना ही भूल गया अच्छे से। क्या हाल है? बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया, बाजार करवा लिया मैंने लोगों ने। ब्रो तो बिल्कुल वो लग रहा है घायल। ये क्यों रखे वैसे? सब तैयार है? तुम्हारी प्लेट तैयार है? नहीं, हम तेरा वेट कर रहे थे कि तू आएगी तो फिर करेंगे। है ना यार, उसमें कोरिया गर्मी। फाइनली गाइस, मैं यहाँ घर पे पहुँच गई हूँ अच्छे से, और आपको पता ही है कि बीच में क्या हुआ है रास्ते में, पता नहीं है इसलिए ये हंस रहा है। पता है मेरे हाथ में चाइनीज़ प्लांट ऐसे था और बंदर इतने मोटे मोटे, मेरे को लगा कि लास्ट टाइम तो मैंने हाँ। और पता है मैं व्लॉगिंग करते करते ना की जल्दी जल्दी कंटेंट देने की बात नहीं है, बंदर यहाँ पर रैंडमली थोड़ा ना आते होते हर वक्त। और मैं भैया को बोली ऐसा पैकेट दो ऐसे वाला, उन्होंने ऐसे हाथ में दिया हुआ ऐसी। मैं सोच रही थी बंदर आए ना आए, आज इन सीढ़ियों में अगर मैं गिरी तो जिंदगी से मैंने दिखाई भी है वीडियो में। पहली बार यहाँ इतनी गर्मी है कि आज टॉप में हम वो कर रहे हैं। आज तुमने व्हाइट व्हाइट पहना है, हमको व्हाइट ट्विनिंग पिंक मैंने और पारुल दी। पिंक क्यों नहीं है? पिंक और व्हाइट है मेरा, पीच कलर ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हो, पीछ नहीं है ये। धागों से बांधा
गाना गाओ यार। आज मैंने फेसबुक पे देखी है गाने, एहसास दिल के रिश्तों का। ये कुछ नहीं है, नकली थाली है हमारी। गाइस आपने देख ही लिया होगा इन सब ने मेरी कितनी इंसल्ट की आज। आपको कैसे लग रहा है, आपने एक भी पैसा जाया नहीं किया आज अपनी बहनों पे? इन्हें कट कर दिया वो सीन जिसमें पैसे दिए जिसमें पैसे दिए। ओहो हो हो गाइस, हम लोगों ने राखी बांध ली है और यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ अभी धूप लगी थी जो कि ये वाला मौसम है, और अब यहाँ पर बारिश होने लग गई है। मतलब शिमला के मौसम में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा हुआ मैं, क्योंकि मैंने आज सूट ही पहना था और मैं भीग भी जानी थी, छाता भी नहीं था, और ठंड भी बहुत लग रही थी क्योंकि यहाँ एकदम से ठंड हो जाती है। और आज काफ़ी गर्मी होगी थी, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होना नामुमकिन है, तो इसलिए बारिश होगी। अगर हम कहीं इसके पास जाएंगे, मैं, पारुल दी और क्रिश बाहर, तो आपको मैं वो सब कुछ दिखाऊंगी। वैसे जाना ही चाहिए, वरना व्लॉग बनाने का क्या ही फ़ायदा है गाइस। इतना थोड़ा सा व्लॉग रक्षाबंधन का अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं फिर से रेडी हो गई हूँ। मैंने अभी कपड़े चेंज किए, फिर से पिंक कलर के हैं। तो हम थोड़ी देर तक रेस्ट किया हम लोगों ने, और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं डिनर करने। मैं, पार्वती, क्रिश और हितू भैया के साथ हम जा रहे हैं। तो अभी हम जल्दी से घर से निकलते हैं, वो हमें घर के नीचे लेने आएंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ आगे क्या क्या होने वाला है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बस अब घर से निकल रहे हैं हम, अभी अंधेरा आ रहा है यहाँ पर, अब ठीक है, लाइट आ रही है अब। ओहो हो जल्दी जल्दी से ताला लगा दे। तो हमें अब क्या, रात को जाना है, इतना अंधेरा, तो मतलब शाम तो अगली साल बोला, अगली साल जाना है, तो चलते हैं। आगे है यहाँ पर हितू भैया, ब्रो ब्रो बोल सकते एक दूसरे को, तो बांधो राखी भी। कि तुम्हें आने बांध दी राखी खुद ही? खुद ही बांध लिया, सुबह सुबह। आज सुबह नहीं, 1:30 बजे के बाद था मुहूर्त, तो सुबह ही बांध ली। तो गाइज अभी हमने गाड़ी की पार्किंग में लगा दी है, और अभी हम लिफ्ट से जा रहे हैं मॉल। काफ़ी टाइम से मॉल नहीं आए थे, और हितू भैया का पहले से था ऐसे कि मॉल जाएगी, तो फाइनली हम यहाँ हैं। और यहाँ पर ना ठंड लग रही है, लिटरली पड़ती है, फिर ऊपर जाते हैं। गलती से पहना था ना, टेस्ट अच्छा
सबसे पहले तृप्ति जा रहे हैं गाइस। गाइज़ आप यहाँ से व्यू देखो, ये हनुमान जी का मंदिर जो कि जाखू में, और ये देख सकते हो मून कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज हम जा रहे हैं कैफे 1873। सो गाइज अभी हम कैफे 1873 से आ गया, वहाँ हमने अमृतसरी कुलचा खाया जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, हमने वहाँ पर इसीलिए यही चीज़ खाई क्योंकि हमें अचानक से याद आ गया था कि हम पिज्ज़ा खाते हैं। और फिर है डोमिनोज के बाहर, पारुल दी और हितु भी अभी गए हैं यहाँ पर ऑर्डर करने। हाय, अच्छा लग रहा है बहुत व्यू के साथ। गाइस पारुल दी आप सभी को एक रिव्यू देना चाहती है एक चीज का, बोल बोल बोल। डोमिनोज में हमने खाया मार्गरिटा पिज़्ज़ा जिसमें इतना चीज़ था कि किसी और चीज़ का टेस्ट ही नहीं था, मतलब चीज़ ही चीज़ था, और यहाँ पर बच गया है हमारे पास। और ये लोग ना खुद पे वो आ रही है हंसी। ये थी सबसे बेहतर रिश्ता ऑर्डर लेना, मैंने दो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम, बिल्कुल क्या कर सकते हैं अब। भैया जा रहे हैं अभी और हम लोग भी अपने घर पहुंच गए हैं। बाय बाय ब्रो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है गाइस गाड़ी मोड़ने में, लेकिन हमने जैसे कैसे करके कर ली है, दिख भी नहीं रहा है लाइट ऑन करके भी। तो गाइस अभी बजने वाले हैं रात के 11 और हम लोग पहुंच गए हैं घर, और अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक भी गए, मुझे तो काफ़ी नींद भी आ रही है क्योंकि मैं सुबह से इधर उधर गई हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमें, बस पिज़्ज़ा ने थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर दिया था, बाकी तो सब कुछ बढ़िया रहा। तो अब मैं आपको जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।